हेलो बच्चों तो भाई कैसे हो आप सभी आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों तो वेलकम टू तो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जहां पर हमारा जो उदय बैच चल रहा था उसमें तुम्हारे कमल कौशिक गुरु तुम्हारे के स्क्वायर भैया तुम्हारे कमल सर एक और नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्लास नाइन्थ का चैप्टर क्वाड्री लेटरल जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या भैया चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज क्या होता है चतुर्भुज किस प्रकार का होता है और उन प्रकारों में से एक चतुर्भुज है सामांतर चतुर्भुज यह सामांतर जो चतुर्भुज है इसी के बारे में हमें अब पूरी क्लास नाइन्थ में पढ़ना है ठीक है जो तुमने अभी तक वर्ग पढ़ाता जो तुमने अभी तक आयत पढ़ा था वो भी एक प्रकार का सामांतर चतुर्भुज ही होता है तो आज की क्लास किस चीज के ऊपर होने वाली है आज की क्लास होगी हमारी कि भैया देखो पहले बेसिक करेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है उसके बाद देखेंगे कि चतुर्भुज के अपने प्रकार कौन कौन से हैं ठीक है फिर समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात की जाएगी कि भैया समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से हैं और अगर मैं बात करूं लास्ट में, तो लास्ट में में तो हम भैया उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे ठीक है समांतर चतुर्भुज हमारे इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक होने वाला है क्या नाम बताया मैंने टॉपिक का भैया जो मेन है उसका नाम है तुम्हारा सामांतर चतुर्भुज क्या नाम है भाई नाम है सामांतर चतुर्भुज है ना ये तुम्हारा इस क्लास का मतलब क्लास पूरी क्लास नाइन्थ में जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है उसका मेन टॉपिक होगा चतुर्भुज जहां पर इस पूरे चैप्टर में तुम इसी के बारे में पढ़ोगे कि भैया ये क्या है ये क्यों है ये कैसे है और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम गवाए अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो फायर इमोजी दिखा दो भाई लिखना है तो के स्क्वायर लिख दो और नहीं तो फायर इमोजी दिखा दो ठीक है जल्दी से फिर शुरुआत करते हैं हम हम हमारी आज की क्लास की आज की 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 क्लास क्लास तो में में दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहली चीज है हमारा चतुर्भुज क्या होता है दूसरा चतुर्भुज के कोण योग का गुण क्या होता है क्या सर हम इसके आगे भी पढ़ेंगे हाँ भैया मैं हम इसके आगे भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई इसके आगे इसके आगे आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे चतुर्भुज के प्रकार क्या देखेंगे भाई चतुर्भुज के प्रकार ठीक है और हम कोशिश करेंगे कि हम हाथ के हाथ आज ही की क्लास में हमारा समांतर चतुर्भुज के जो गुण है उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दें सामांतर चतुर्भुज के गुण तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की और आगे बढ़ते हैं ठीक है तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं चतुर्भुज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो तुम चतुर्भुज के बारे में क्या होता है चतुर्भुज चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से बनकर क्या घिरी कर बनी आकृति ठीक है यानी कि ऐसी आकृति जो कि चार भुजाओं से मिलकर बनती है और जो बंद होती है उसे हम बोलते हैं चतुर्भुज उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं चतुर्भुज जैसे कि ये क्या है ये है एक चतुर्भुज क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास चार भुजाएं हैं ठीक है जहां पर आपकी दो भुजाएं जैसे त्रिभुज में ही मैंने आपको बताया था कि जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं तो हमारे चतुर्भुज में ये शीर्ष होते हैं एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया तो कुल मिलाकर चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं ठीक है इसी तरीके से चतुर्भुज में चार भुजाएं भी होती है जैसे कि ए बी है ठीक है बी सी है ठीक है सी डी है और आपका D A है क्योंकि यहां पर चार भुजाएं होती हैं इसीलिए चतुर्भुज भी बोला जाता है चार भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज बोला जाता है ठीक है अब चतुर्भुज में जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती है, उस पर बनता है, ठीक है? और उसे हम बोलते हैं क्या भैया है? चतुर्भुज का कोण जैसे कि यह रहा एक कोण इसे हम बोलेंगे कोण हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कोण ए ये रहा ठीक है ये रहा कोण बी ठीक है ये रहा कौन सी ठीक है और ये रहा कौन डी तो आपका एक चतुर्भुज में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो चतुर्भुज क्या है डायरेक्टली पहले इसकी बात कर लेते हैं चार भुजाओं से घिरकर बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं या फिर वो बहुभुज जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज बोला जाता है चतुर्भुज के अंदर चार शीर्ष होते हैं ठीक है चार भुजाएं होती हैं ठीक है और चार ही कोण होते हैं ठीक अब इसके अलावा और चतुर्भुज में क्या होता है देखो भाई यहां पर ये यह सारी चीजें है ठीक है कि इसकी चार भुजाएं होती हैं चार कोण होते हैं चार शीर्ष होते हैं इसके अलावा इसका एक आंतरिक भाग होता है एक बाहरी भाग होता है मतलब देखो चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है ठीक है चारों भुजाओं के अंदर वाला जो भाग होता है ये मान लो तो चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं इन चारों भुजाओं के जो अंदर का भाग है ठीक है वो हो गया आंतरिक भाग और जो बाहर वाला भाग है ठीक है इन चार भुजाओं के इस परिसीमा के बाहर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं बाह्य भाग ठीक है यह हमें क्यों पता होना चाहिए सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है कई बार तुम्हें क्वेश्चन दे देता है कि चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु है चतुर्भुज के बाह्य भाग में एक बिंदु है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का आंतरिक भाग कौन सा होता है और बाह्य भाग कौन सा होता है ठीक है अब इसके बाद चतुर्भुज में हमारे पास और क्या क्या चीजें आती हैं चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं होती है सम्मुख भुजाएं होती हैं आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? आसन भुजाएं मतलब वो भुजाएं जिनमें एक बिंदु कॉमन हो यानी कि आपकी वो भुजाएं जो कि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिल रही हो वो आसन होती हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारा ये एक चतुर्भुज है, ठीक है ये हमारा एक चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो इस चतुर्भुज का नाम है हमारा पी क्यू आर और एस तो यहां पर हमारे पास चार भुजाएं हैं पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी ठीक है तो अब देखो आपका जो पी क्यू भुजा है वो किसकी आसन्न भुजा है तो देखो पी क्यू जो है वो आर एस से क्यू बिंदु पर मिल रही है पी क्यू जो है वो आर एस से क्यू बिंदु पर मिल रही है ठीक है या फिर मैं बोलूं कि पी क्यू के बाद कौन सी भुजा आ रही है आर एस भुजा आ रही है ठीक है तो आपका पी क्यू और आर एस कैसी भुजा हो गई आसन हो गई ठीक है इसी तरीके से एस पी और पी क्यू क्या है तो यानी कि ये ये दोनों दोनों भी भी क्या है तुम्हारी आसन्न भुजाएं हैं ठीक है अब सम्मुख भुजा कौन सी होती है सम्मुख भुजा होती है आमने सामने वाली भुजा ठीक है जैसे पी क्यू के सामने की भुजा कौन सी है पी क्यू के सामने की भुजा कौन सी है पी क्यू के बिल्कुल टक्कर पे जो सामने भुजा है वो इसकी सम्मुख भुजा हो गई पी क्यू की सम्मुख भुजा है RS. ऐसे ही पी एस की जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है पी एस की सम्मुख भुजा है इसकी कौन सी बच्चों आपका आर क्यू तो किसी भुजा के बिल्कुल सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है ऐसे ही इनमें आसन कोण और सम्मुख कोण होते हैं ठीक है आसन कोण कौन से होते हैं देखो भाई आसन कोण कौन से होते हैं देखो जो कोण तुम्हारे लगातार आते हैं जैसे कोण पी के बाद कौन सा कोण आ रहा है कोण क्यू आ रहा है तो कोण पी और कोण क्यू आसन कोण है ठीक है चतुर्भुज के केस में कोण कौन से होते हैं जो लगातार आते हैं एक के बाद एक तो कोण पी के बाद कौन सा कोण आ रहा है कोण क्यू तो कोण पी और कोण क्यू आपस में आसन कोण है ठीक है कोण क्यू के बाद कौन सा कोण आ रहा है कोण क्यू के बाद कोण आर आ रहा है तो कोण क्यू जो है वो कोण आर का भी आसन कोण है ठीक है क्या कोण P और कोण R आसन है क्या कोण P और कोण R आसन है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि बच्चों कोण कोण P R के बाद नहीं आ रहा है, या फिर कोण कोण R कौन P के बाद नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में एक और कोण है Q। ठीक है तो जो दो लगातार कोण होते हैं चतुर्भुज में उन्हें आसन कोण बोला जाता है जैसे कि P के बाद Q आ रहा है ठीक है तो P और Q आसन है Q के बाद R आ रहा है तो Q और R आसन है R के बाद S आएगा तो आपका आर और एस आसन होंगे फिर एस के बाद पी आएगा तो आपका एस और पी क्या होंगे आपके आसन कोण होंगे, ठीक है? आपका क्यू और एस आसन नहीं हो सकता पी और आर आसन नहीं हो सकता अब आसन आ गया तो इसके बाद क्या होगा सम्मुख कोण और सम्मुख कोण कौन से होते हैं बच्चों देखो आपके एक के सामने सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने तो भैया एक कोण के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड बिल्कुल टक्कर पे जो कोण होगा वो आपका क्या होगा आपका सम्मुख हो P तो कोण पी ये रहा इसके सामने कौन सा कोण है कोण पी के सामने कोण पी के सामने है ये वाला कोण तो कोण पी और कोण आर सम्मुख कोण हो गए सेम चीज कोण क्यू के सामने कौन सा कोण है कोण एस तो कोण क्यू और कोण एस सम्मुख कोण हो गए इसके अलावा चतुर्भुज में क्या होता है दो विकर्ण होते हैं ठीक है आपका पी को जब आप एस से मिलाओगे सॉरी पी को जब आप आर से मिलाओगे पी को जब आप आर से मिलाओगे तो आपके पास बनेगा एक विकर्ण और जब आप एस को क्यू से मिलाओगे आपके पास बनेगा आपका दूसरा विकर्ण ठीक है तो चतुर्भुज में चार भुजाएं चार शीर्ष चार कोण दो विकर्ण होते हैं ठीक है सीधी सी बात है आसन्न भुजाएं आसन्न कोण और सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण मैंने दोनों समझा दिया है तो यहां पर जो चतुर्भुज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है अब इसके बाद आता है तुम्हारे चतुर्भुज का कोण योग का गुण ठीक है चतुर्भुज के कोण योग का गुण तो चतुर्भुज के कोण योग का गुण क्या बोलता है देखो चतुर्भुज के कोण योग का गुण ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई चतुर्भुज है ठीक है जैसे कि मान लो ये एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग एक 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है यह बोला जाता है ठीक है कि आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है ये चीज याद होनी चाहिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों हर साल एग्जाम में ठीक है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारा दो नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं ठीक है और अगर तुम्हें इसे सिद्ध करना है कि कैसे तुम्हारा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है तो क्या करो इसके एक विकर्ण को मिलाओ जैसे कि मान लो मैंने ऐसी विकर्ण को मिलाया तो अब एसी विकर्ण को मिलाने पर क्या हुआ तुम्हारा जो त्रिभुज था तुम्हारा जो चतुर्भुज था वो दो त्रिभुजों में बट गया तुम्हारा जो चतुर्भुज था वो दो त्रिभुजों में बट गया एक एबीसी में और दूसरा ईडीसी में तुम जानते हो त्रिभुज के तीन कोणों का योग एक डिग्री होता है तो अगर मैं यहां पर सिद्ध करना चाहूं तो देखो मैं कैसे सिद्ध करूंगा मैं चतुर्भुज का एक विकर्ण मिलाऊंगा चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी मिलाए ये सब तुम लिख लेना अगर तुम्हें लिखना है तो ठीक है क्योंकि पेपर में ये आता नहीं है मैं बस बता रहा हूं तुम लोगों के काम आ जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे देखो चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी विकर्ण मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है एक सौ अस्सी डिग्री यानी कि आपका कोण बी ए सी ये वाला कोण प्लस कोण बी ये वाला कोण प्लस कोण बीसीए ये वाला कोण इन तीनों का योग हो जाएगा कोण बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण बी सी ए इन तीनों का योग हो गया 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ठीक है समीकरण नंबर एक सेम समीकरण बना लो कहां से सेम समीकरण बना लो अपना त्रिभुज किससे आपका ए डी सी से एडीसी में क्या होगा भाई त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज एडीसी में हमारे पास निकल कर आएगा सिंपल क्या कि आपका ये वाला कोण आपका कोण डी और ये वाला कोण ठीक है इन सबका योग कोणों का योग को, यो कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो यानी कि कोण ए आपका डी ए सी कोण डी ए सी प्लस कोण डी प्लस कोण DCA, तीनों का योग 180 डिग्री दोनों समीकरणों को उठाकर जोड़ दो समीकरण एक प्लस समीकरण दो कर दो तो क्या होगा भाई समीकरण एक प्लस समीकरण दो करेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो तो अपने पास हो जाएगा कोण बी प्लस कोण DAC, बी प्लस कोण DAC प्लस कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण बीसीए प्लस कौन डीसीए और बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये हो गया तुम्हारा 360 डिग्री 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा कोण बी सी ए ये वाला कोण प्लस कोण डी सी तुम्हारा कोण बी ए सी सॉरी सबसे पहले कोण बी ए सी यानी कि ये वाला कोण और दूसरा कोण डी ए सी यानी कि ये वाला कोण इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा कोण ए बन गया ठीक है इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया इन दोनों को जोड़ने पर कोण ए बन गया प्लस कोण बी तो हमारे पास पहले से है ही प्लस कोण डी भी हमारे पास पहले से है ही प्लस अब देखो कोण BCA यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण DCA यानी कि ये वाला कोण BCA प्लस DCA क्या हो गया BCA प्लस DCA हमारा कितना हो गया ये हो गया टोटल हमारा कोण C कितना हो गया कोण C तो अपना काम हो गया कोण C तो आपके पास आ गया 360 डिग्री और यहीं से आपका जो कोण योग का गुण है वो प्रूव हो गया हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम कि आपके चतुर्भुज के कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है ठीक है क्लियर हो गई बात आगे सबको समझ में किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से क्लियर है सबको ये आगे बढ़ जाए चतुर्भुज के कोण योग का गुण समझ में आ गया इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सॉल्व करते हैं देखो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन चतुर्भुज के तीन कोण पिछहत्तर डिग्री नब्बे डिग्री और पिछहत्तर डिग्री है इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए तो भैया देखो तुम्हें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है तीन सौ तो साठ डिग्री होता है तीन कोण दे रखे हैं इसका चौथा कोण अपने पास से मान लेते हैं माना माना चौथा कोण चौथा कोण बराबर है एक्स के ठीक है और अब तुम ऑलरेडी जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है उठाओ और लगा दो क्या होगा भाई ये हो जाएगा तुम्हारा पिछहत्तर डिग्री प्लस नब्बे डिग्री प्लस पिछहत्तर डिग्री प्लस चौथा कोण हो गया x बराबर तीन सौ डिग्री के ठीक है भाई कितना हो जाएगा डेढ़ो डेढ़ सौ और नब्बे दो सौ चालीस ठीक है तो अपने पास आ गया कितना दो सौ चालीस डिग्री साठ डिग्री के दो सौ चालीस डिग्री दर्दाकर माइनस का हो जाएगा तो एक्स का मान कितना आ गया तीन सौ साठ डिग्री माइनस दो चालीस डिग्री कितना हो जाएगा भैया जा एक एक स्टेप लिखवा लो मुझसे तीन सौ साठ डिग्री माइनस दो सौ चालीस डिग्री कितना हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्री तो x का मान निकलकर आ गया 120 डिग्री और ये तुम्हारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो चतुर्भुज का जो चौथा कोण है वो है x जो कि है 120 डिग्री के बराबर क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक सौ बीस डिग्री इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है क्लियर हो गई बात चलो आगे बढ़े अगला सवाल देखो अगला सवाल क्या कह रहा है भैया चतुर्भुज के कोण योग के गुण से ही है कि एक कोण एक सौ दस डिग्री अस्सी डिग्री 70 डिग्री पंचानवे डिग्री किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं क्या तो देखो ऐसे समझ के चलो कि चतुर्भुज वो जिद्दी बालक है ठीक है जिसने मेले में जाकर एक खिलौना देख लिया ठीक है और अब उसे वो खिलौना पसंद आ गया ठीक है अब घर आने के बाद उसे तुम चाहे मर्सिडीज की गाड़ी दे दो लेकिन उसे क्या चाहिए उसे चाहिए वही खिलौना सीधी सी बात है तो हमारा जो चतुर्भुज है वो भाई बिल्कुल वही वाला बालक है कि चतुर्भुज में चाहे तो तुम कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा कर दो वो चतुर्भुज बनेगा ही नहीं तुम 360 डिग्री से कम करोगे वो तब भी नहीं बनेगा वो जिद्दी बालक हो चुका है उसे क्या चाहिए उसे चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही चाहिए बात खत्म तो ध्यान रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री तो भैया देखो इन सबको जोड़कर देख लो तो 110 डिग्री प्लस अस्सी डिग्री प्लस सत्तर डिग्री प्लस पंचानवे डिग्री तो देखो 110 डिग्री और पंचानवे डिग्री हो गया 205 डिग्री और ये हो गया आपका कितना 150 डिग्री ठीक है तो 205 डिग्री और 150 डिग्री कितना हो गया 80 और 70 डेढ़ सौ हो जाएगा ना 80 और 70 डेढ़ सौ हो जाएगा और 110 और पंचानवे हो गया तुम्हारा कितना 205 सौ पांच दो सौ पांच और डेढ़ सौ कितना हो गया 205 और डेढ़ सो हो गया हमारा कितना 355 ये तो कितना आ रहा है ये तो 355 डिग्री आ रहा है ये तो 355 डिग्री आ रहा है ज्यादा देने से तो गए उल्टा कम दे दिया तुमने तो जो कि 360 डिग्री के बराबर नहीं है जो कि 360 डिग्री के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल है बेटा आप चतुर्भुज नहीं बना सकते हो क्यों क्योंकि यहां पर इन चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर नहीं है चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो हमें फर्क नहीं पड़ता आपका चतुर्भुज तभी बनेगा जब चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा ठीक है तो हम लिखेंगे चूंकि चारों कोणों का योग कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री नहीं है नहीं है अतः अतः यह चतुर्भुज के कोण चतुर्भुज के कोण नहीं है सिंपल बात खत्म पॉइंट ठीक है सीधी सी बात है क्योंकि चारों कोणों का योग जो है वो तीन सौ साठ डिग्री आ ही नहीं रहा वो 360 डिग्री आ ही नहीं रहा वो 355 डिग्री आ रहा है तो इसीलिए चतुर्भुज के कोण नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो आगे कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात चार अनुपात सात है ठीक है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए तो भैया देखो अब हमें यहां पर चतुर्भुज के कोण नहीं पता है ठीक है हमें कोई और संबंध नहीं पता है ठीक है हमें बस चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है ठीक है यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पता है हमें पता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए और तुम लोगों के एक स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन तो ध्यान से देख लेना क्या कि चतुर्भुज के चार कोण मान लो ए चतुर्भुज ए चतुर्भुज ए बी सी डी में जो आपके चार कोण हैं कौन कौन से कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी इन चारों कोणों का जो अनुपात है वो तुम्हें दिया हुआ है कितना तीन अनुपात चार अनुपात चार अनुपात सात ठीक है अब अगर तुम्हें चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो अगर तुम लोगों ने पिछली क्लासेस मेरी देखी है ठीक है और हमने जहां पर भी अनुपात के क्वेश्चन करे हैं अगर तुमने उनमें से कोई भी एक क्लास मेरी देखी है तो तुम लोगों को मैंने वहां पर भी बता रखा और मैं यहां पर भी बताऊंगा कि जब भी हम अनुपात को कन्वर्ट करते हैं संख्या में जब भी हम अनुपात को बदलते हैं संख्या में तो उसमें हम एक चर से गुणा करते हैं क्या करते हैं उसमें हम एक चर से गुणा करते हैं ठीक है क्यों करते हैं देखो यहां पर मान लो अगर तुम डायरेक्टली ले, ले लेते हो कि ए अनुपात बी जो है वो तीन अनुपात चार है ठीक है तुम्हारी बात मैंने मान ली कि भैया ए अनुपात भी, भी तीन अनुपात चार है यानी कि कोण ए बटे कोण भी तीन बटे चार है ना तो तुम कहोगे सर कोण ए का मान हो गया तीन कोण बी का मान हो गया चार है ना तुम ऐसे बोल दोगे लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलू क्या अगर कोण ए का मान बारह और कोण बी का मान सोलह हो अगर कोण ए का मान बारह और कोण बी का मान सोलह हो तो क्या ए बटे बी का अनुपात या कोण ए बटे कोण बी जो है यानी कि कोण ए और कोण बी का अनुपात तब भी हल करने के बाद तीन अनुपात चार नहीं आएगा तब भी हल करने के बाद तीन अनुपात चार ही आएगा तो भैया क्यों आएगा क्योंकि आपका यहां पर देखो तीन गुणा चार बटे चार गुणा चार यहां पर हो सकता है कि आपका जो संख्या दी हुई हो उन दोनों संख्या में अंश और हर में एक निश्चित अंक दिया हो समान अंक दिया हो जिसे आपने काट के सरल करके अपने दिए गए क्या अपने अंश और हर को भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखा हो ठीक है जो कि हमने क्लास एथ में पढ़ा था कि भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं कि भैया जो उभयनिष्ठ है उसे काट दो और जो आपका भिन्न है वो अपने सरलतम रूप में आ जाएगा तो हो सकता है कि यहां पर कोण ए और कोण बी का मान तीन और चार ना होकर बारह और सोलह हो या फिर आपका कितना पंद्रह और बीस हो या फिर आपका अठारह और चौबीस हो है ना तो हमें नहीं पता है ठीक है कि भैया हो सकता है कि यहां पर तीन और चार की गुणा में ऊपर और नीचे कोई समान संख्या हो जिसकी गुणा की गई हो ठीक है और उसके बाद उसे काट के सरलतम रूप में ऐसे लिखा गया हो तो इसीलिए क्योंकि हमें वो संख्या तो पता नहीं है हम क्या करते हैं हम अपनी तरफ से एक चर मान लेते हैं जब भी हम अनुपात को संख्याओं के मान में लेते हैं ठीक है जब भी हम अनुपात को बदलते हैं मान के रूप में या संख्या के रूप में तो हम क्या करते हैं वहां पर एक चर से गुणा करते हैं सर अब वो चर क्या लेंगे

वो हो गया कितना चार कौन सी जो है वो कितना होगा वो भी होगा चार एक्स और कोण डी जो है वो कितना होगा वो होगा तुम्हारा सात एक्स है ना अब तुमने अगर ये एक्स का मान निकाल लिया तो तुम्हें ए बी सी डी के मान मिल जाएंगे आराम से हमने समान संख्या ले ली गुणा में ठीक है अनुपात में लोगे तो संख्या से संख्या समान संख्या से संख्या कट जाएगी तुम्हारा अनुपात अनुपात चार अनुपात चार अनुपात सात आ जाएगा अब ये x का मान अगर तुमने निकाल लिया तुम्हारा काम हो जाएगा अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है के गुण से हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण d चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री ठीक है जिनमें से चार कोण हमें पता है तीन एक्स चार एक्स चार एक्स और सात एक्स है तो तीन एक्स चार एक्स चार एक्स और सात एक्स है तो इन चारों का योग हो गया तीन सो साठ डिग्री सात तीन दस चार चौदह और चार अठारह तो अठारह एक्स आ गया हमारे पास बराबर तीन सौ साठ डिग्री के अठारह इधर भाग में चला जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया एक्स बराबर आ गया हमारा 360 डिग्री बटे में अठारह सीधी सी बात है इसे हल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा अठारह एकम 18 अठारह एक छत्तीस 18, 18 तो ऊपर आ गया बीस डिग्री एक्स का मान आ गया बीस डिग्री अब ये x का मान 20 डिग्री है तो इस x के मान से तुम क्या निकाल सकते हो अपने सारे कोणों का मान निकाल सकते हो कोण a बराबर होगा तुम्हारा कितना 3x तो ये हो गया तीन गुणा बीस डिग्री यानी कि बीस 60 डिग्री कोण b बराबर है तुम्हारा 4x यानी चार गुणा बीस डिग्री यानी कि चार धुनी अस्सी डिग्री ठीक है कोण सी भी बराबर है तुम्हारा चार एक्स के तो इसका भी मान हो जाएगा चार गुणा बीस डिग्री यानी कि अस्सी डिग्री के और कोण डी का मान है तुम्हारा सात एक्स तो ये हो गया सात गुणा बीस डिग्री यानी कि तुम्हारा एक सौ चालीस डिग्री के बराबर तो चतुर्भुज के चारों कोण हमारे पास ये निकल कर आ गए ठीक है तुम्हें चेक करना है तुम्हारा आंसर सही है या गलत है इन चारों को जोड़कर देख लो कितना होगा 80 80 160 160 सौ और 40 कितना हो जाएगा 300 सौ और साठ कितना हो गया 360 खत्म चारों कोणों का योग 360 यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो अगर कभी भी तुम्हें अनुपात देगा चतुर्भुज के कोणों का या किसी भी चीज का अगर तुम्हें अनुपात देगा तो उसमें बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि अनुपात को संख्या में बदलने से पहले तुम क्या करोगे उसमें एक चर से गुणा कर दोगे क्लियर हो गई बात आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 80 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री हैं तो चौथा कोण क्या होगा सिंपल सा है तो ठीक वही काम करो चतुर्भुज का चौथा कोण माना चतुर्भुज का चौथा कोण का चौथा कोण बराबर किसके है ये बराबर है एक्स के मैं यहां पर चतुर्भुज का निशान बना रहा हूँ तुम लोग पूरा लिखोगे कि चतुर्भुज का पूरा कोण ठीक है तुम तुम यहां पर ये यह चतुर्भुज का निशान मत बनाना एग्जाम में बना क्या होगा नंबर कट जाएंगे फालतू में ठीक है तो ध्यान से देखो भाई अब अपने पास क्या आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा अस्सी डिग्री साठ डिग्री एक डिग्री और चौथा कोण हो गया एक्स कितना होगा चारों कोणों हो का योग तीन डिग्री ठीक है साठ डिग्री अस्सी डिग्री कितना हो गया देखो ये हो जाएगा हमारा साठ डिग्री अस्सी डिग्री हो गया हमारा एक सौ चालीस एक सौ चालीस और एक सौ बीस कितना दो सौ साठ दो सौ साठ डिग्री प्लस एक्स बराबर तीन सौ साठ डिग्री के दो सौ साठ डिग्री जाकर माइनस हो जाएगा एक्स का मान आ गया तीन सौ साठ डिग्री माइनस दो सौ साठ डिग्री यानी कि सौ डिग्री ये लो ये हो गया तुम्हारे चतुर्भुज का चौथा कोण खत्म क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन तो छोड़ेंगे अब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हाथों हाथ करते हुए चलेंगे बाकी इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है थीके? जिस भी तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकते थे तुम लोगों के एग्जाम में आ सकते थे मैंने करा दिए ठीक है थीके? अब इसके बाद तुम्हारे पास अगला टॉपिक जो शुरू होता है वो है आपका चतुर्भुजों के प्रकार टाइप्स ऑफ क्वारिलेटरल तो यहां पर चतुर्भुज जो है क्वारिलेटर जो है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं ठीक है जिनमें से तीन मेन है जिसमें से सबसे पहला आता है तुम्हारा काइट यानी कि पतंगाकार ठीक है दूसरा आता है ट्रेपेजॉइड यानी कि तुम्हारा समलंब ठीक है तीसरा आता है तुम्हारे पास पेरलेलोग्राम यानी कि समांतर अब समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हैं तुम्हारे पास क्या रोमबस यानी कि सम चतुर्भुज रेक्टेंगल यानी कि आयत और स्क्वायर यानी कि तुम्हारा वर्ग ठीक है तो अब एक एक करके इन तीनों को समझेंगे फिर इसके अंदर के पार्ट्स को समझेंगे और हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज के बारे में बात होगी इन दोनों के बारे में तो बात ही नहीं होगी इन दोनों को समझ लेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में अगर ये आ गए तो उसके क्वेश्चन कर सके हम बाकी पूरे चैप्टर में मेनली बात होगी इन भाई साहब के बारे में ठीक है कि पैरलेलोग्राम क्या है यह है अपने इस चैप्टर के स्टार ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे टाइप की जो चतुर्भुजा उन्हें समझ लेते हैं सबसे पहले आता है पतंगाकार चतुर्भुज यानी कि पतंग तो देखो पतंगाकार चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी दो आसन्न भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर होती है ठीक है मान लो मैंने एक पतंगाकार चतुर्भुज बना दिया जैसे कि ये है तुम्हारा यहां पर ठीक है और ये चतुर्भुज ए बी सी एंड डी तो इसकी दो आसन्न भुजाओं की जो माप है वो बराबर होगी हमेशा जैसे कि तुम्हारा यहां पर जो ये ए बी है ये इसकी बराबर वाली जो भुजा है ए बी की बराबर वाली भुजा कौन सी यहाँ पर ए डी ये इसके बराबर होगी ठीक है और बीसी की बराबर वाली भुजा कौन सी है सी डी तो ये इसके बराबर होगी जो आसन्न भुजाएं हैं यानी कि जो बराबर वाली भुजाएं हैं उनकी माप बराबर होती है ठीक है आपकी आसन्न चतु आपके पतंगाकार चतुर्भुज का यही गुण है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाओं की माप क्या हो बराबर हो ठीक है ये दोनों आपस में बराबर ये दोनों आपस में बराबर ठीक है दो आसन भुजाओं की माप बराबर हो उसे हम बोलते हैं क्या उसे हम बोलते हैं आपका कौन सा पतंगाकार चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाओं की माप बराबर नहीं होगी आसन्न भुजाओं की माप बराबर होनी चाहिए आसन्न भुजाओं की माप बराबर होनी चाहिए ठीक है अब पतंगाकार चतुर्भुज के बाद आता है समलंब चतुर्भुज लम्ब चतुर्भुज क्या होता है समलम्ब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है ए बी सी और डी तो समलंब चतुर्भुज बच्चों तुम्हारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा।, सम्मुख भुजा कौन सी होती है आपकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है उन्हें हम बोलते हैं सम्मुख भुजाएं जैसे कि यहां पर आपका ए डी जो है वो बीसी की स्क्रीन अगर ऐसे सामने तो मैं तुम्हारे सम्मुख भुजा है और ए बी जो है वो सीडी की सम्मुख भुजा है ठीक है तो बेटा समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रपीजियम या ट्रेपेजॉइड ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है युग्म मतलब, युग्म मतलब मतलब होता है जोड़ा यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें दो चीजें हो तो यानी कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बोले तो एक युग्म कौन सा हो गया हर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं आमने सामने वाली दो भुजाएं होती है ठीक है बीसी और ए एक युग्म हो गया ए बी और सी डी एक युग्म हो गया तो बेटा आपकी समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे कि तुम यहां पर देख भी सकते हो केवल ए डी और तुम्हारा जो बी सी है वो एक दूसरे के समांतर है ठीक है आपका ए बी और सी डी ये एक दूसरे के समांतर नहीं है ठीक है तो ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो यानी कि केवल दो भुजाएं सामांतर हो सॉरी बराबर बोल दिया मैंने गलती से सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सामांतर हो यानी कि आपका केवल दो भुजाएं सामांतर हो जैसे कि यहां पर दे रखा है तुम्हारा ए डी सामांतर बी सी तो उस तरीके के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं उस तरीके के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं कि सम्मुख बुझाओं का केवल एक युग्म जो है यानी कि आपका में दो जो है वो समांतर होनी चाहिए ठीक है क्लियर हो गई ये बात आगे सबको समझ में किसी को कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताओ क्लियर है भाई चलो आगे देखे फिर और अब आते हैं हमारे चैप्टर के हीरो और ये है चतुर्भुज पैरलेलोग्राम तो देखो पैरलेलोग्राम क्या बोलता है पेरलेलोग्राम ये बोलता है कि भैया देखो आपका ऐसा चतुर्भुज ठीक है आपका ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा के हमें पता है कि भैया सम्मुख भुजा के केवल दो युग्म होते हैं ठीक है सम्मुख भुजा के केवल दो युग्म होते हैं आपका किसी भी चतुर्भुज में तो सामांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मांतर हों ठीक है यानी कि यहां पर आपकी जो सम्मुख बुजाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती है दोनों दोनों सम्मुख बुजाएं आपकी परस्पर समांतर होंगी ठीक है आपकी जो ये ए बी है ये जो ए बी है ये बी सी के समांतर होगी सॉरी ए बी जो है ये सी डी के समांतर होगी और ये जो बी सी है ये एडी के समांतर होगी तो सर समलंब और समांतर में क्या फर्क हुआ समलंब में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं ठीक है यहां पर तुम्हारा ए बी जो है वो समांतर है सी डी के और तुम्हारा बी सी जो है वो समांतर है ए डी के तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो है यहां पर वो कैसा होता है समांतर होता है ठीक है सम्मुख बुझाओ का प्रत्येक यहां पर कैसा होता है समांतर होता है क्लियर हो गई बात जल्दी से बताओ समझ में आ गया सबको बोलो बोलो जल्दी से बोलो चलो अब आगे बढ़ते अब देखो समांतर चतुर्भुज के इसी के गुणों के बारे में हमें अभी आगे पढ़ना है अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे ठीक है पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है लेकिन इसके दो तीन प्रकार और हैं ठीक है समांतर चतुर्भुज के दो तीन स्पेशल प्रकार हैं जैसे कि मैंने यहां पर तुम्हें बता दिया कि भैया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती है तो आपका ए बी समांतर होगा सी डी के और बीसी समांतर होगा डीए के अब ये चीज तो रहेगी रहेगी ठीक है इसके बाद हम जितने चतुर्भुज पढ़ेंगे उन सब में सम्मुख का प्रत्येक युग्म समांतर तो रहेगा ही रहेगा लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक एक हम क्या करेंगे एक एक हम स्पेशल पावर डालेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास एक स्पेशल टाइप का क्या बन जाएगा एक स्पेशल टाइप का हमारा चतुर्भुज बन जाएगा ठीक है एक स्पेशल टाइप का क्या बन जाएगा चतुर्भुज बन जाएगा ठीक है अब जैसे कि देखो तुमने पढ़ा है ना आयरन मैन आयरन मैन तो था ही ठीक है लेकिन वो क्या करता था वो हर बार अपने सूट में एक ना एक, एक ना एक ना एक नया फीचर डालता रहता था और उसके बाद वो हर सूट को एक नया नाम दे देता था जैसे कि भैया मार्क था मार्क मार्क था 80 था जो कि शायद शायद उन्होंने एंड गेम में यूज किया था गारंटी नहीं है मुझे ठीक है हल्क बस्टर आर्मर था ठीक है तो उनके क्या थे उनके अपने अपने फीचर्स थे तो सेम तरीके से यहां पर भी हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है इनमें भी अपने अपने एक फीचर डाल डाल के ये अलग अलग तरीके के चतुर्भुज बना देता जिनमें से सबसे पहला आता है रोमबस तुम्हारा सम चतुर्भुज ठीक है तो अब ये समचतुर्भुज क्या है तो देखो ऐसा समांतर चतुर्भुज आपका होता ये भी समांतर चतुर्भुज है मतलब कि इसकी भी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी ठीक है होता ये भी समांतर चतुर्भुज तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी समांतर होंगी तो सर समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में फर्क क्या है देखो फर्क कुछ नहीं है सामांतर चतुर्भुज का ही यह एक प्रकार है यानी कि जो चतुर्भुज होता है वो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होगा ए बी समांतर होगा किसके तुम्हारा सी डी के और तुम्हारा डी बी सी समांतर होगा डी ए के लेकिन इसके अलावा इसमें एक विशेषता और होती है इसमें एक विशेषता और होती है क्या कि भैया आपका अगर समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर माप की हैं ठीक है थीके? आपका समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं समान माप की हैं तो वो चतुर्भुज एक क्या वो चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज बन जाता है तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं भैया उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं

अब आयत क्या है गुरु जी देखो आयत भी हमारा एक तरीके का सामांतर चतुर्भुज ही है तुम कहोगे सर सब कुछ ही समांतर चतुर्भुज है जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि भैया अब इस पूरे चैप्टर में हमें समांतर चतुर्भुज की ही कहानी को पढ़ना है ठीक है अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है सिर्फ समांतर चतुर्भुज की कहानी है तो देखो अब एबीसीडी तुम्हारा एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है और इसमें विशेषता क्या है फिर सर देखो समांतर चतुर्भुज सीधी सी बात है आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी ठीक है आपका ए बी समांतर होगा सी डी के और आपका बी सी समांतर होगा डी ए के तो सर ये समांतर चतुर्भुज से अलग कैसे हुआ आयत जो है उसमें क्या विशेषता है तो देखो आयत में क्या होता है आयत में आपका एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है बस और कोई विशेषता नहीं है यही है कि अगर तुम एक समांतर चतुर्भुज को उठाओ उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर कर दो तो तुम्हारे पास सम चतुर्भुज है और वहीं पर अगर तुम एक समांतर चतुर्भुज को उठाओ और क्या करो उसका एक कोण 90 डिग्री का कर दो क्या कर दो उसका एक कोण 90 डिग्री का कर दो 90 डिग्री का कर दो ठीक है कोई भी एक कोण कोई भी एक कोण अब तुम कहोगे इसके तो चारों कोण नब्बे डिग्री के होते हैं बेटा वो प्रूव करना सीखेंगे हम अभी आगे ठीक है लेकिन आयत की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं हमारा क्या हमारा आयत ठीक है तो आपका आयत क्या होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है तो यहां पर हमने एक कोण जो है कोण एक को नब्बे डिग्री का कोण लिया ठीक है इसके चारों कोण नब्बे डिग्री होते हैं ये अभी हम आगे सिद्ध करना सीखेंगे टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो आयत सबको समझ में आ गया सम चतुर्भुज क्या था चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो आयत क्या है समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण नब्बे डिग्री का हो और अब वर्ग क्या है तो बच्चों देखो जो वर्ग है वो आप आयत से भी बना सकते हो और आप समतुर्भुज से भी बना सकते हो ठीक है तो देखो वर्ग क्या होता है एक ऐसा समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या है समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज क्या है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आपका ऐसा समचतुर्भुज जिसकी एक कोण नब्बे डिग्री हो उसे हम वर्ग बोलते हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है समचतुर्भुज का जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है सम चतुर्भुज का जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है फर्क नहीं पड़ता लेकिन वर्ग के लिए ये स्पेशली कहा गया है कि इसकी चारों तो एक 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, और वर्ग दोनों अलग अलग चीज है जो तुम्हारा सम चतुर्भुज है वो ऊपर है और वर्ग जो है सम चतुर्भुज का एक पार्ट है वर्ग क्या है सम चतुर्भुज का एक पार्ट है एक ऐसा सम चतुर्भुज एक ऐसा सम चतुर्भुज जिसकी क्या हो बच्चों जिसमें आपका एक कोण नब्बे डिग्री का हो उसे हम आयत बोलते हैं सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं ठीक है अगर इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं ठीक है चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण नब्बे डिग्री का है एक कोण नब्बे डिग्री का है तब आप इस चतुर्भुज को क्या बोल सकते हो तब आप इस चतुर्भुज को वर्ग बोल सकते हो तब आप इस चतुर्भुज को वर्ग बोल सकते हो अब ये जो समांतर चतुर्भुज है सम चतुर्भुज है और जो वर्ग है इसके विकर्णों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विकर्णों की विशेषता के बारे में क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अभी हमने गुण नहीं पढ़े जब हम समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ लेंगे वहां पर हमें और अच्छे से समझ में आएगा तो आई आए होप तुम लोगों को समांतर चतुर्भुज के प्रकार बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ठीक है समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक समांतर होता है दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज का प्रकार है कौन सा तुम्हारा चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए वो हमारा सम चतुर्भुज ठीक है फिर आयत की बात करें तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो आयत ठीक है और अगर वर्ग की बात करें तो देखो वो समचतुर्भुज से भी बन सकता है वो आयत से भी बन सकता है समचतुर्भुज से कैसे बनेगा एक ऐसा समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा जिसका एक कोण नब्बे डिग्री हो तो वो क्या हो गया वो आपका वर्ग हो गया या फिर तुम्हारा वर्ग को आयत के रूप में कैसे बताएंगे एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्योंकि आयत में क्या होता है एक डिग्री होता है तो आपका एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे भी हम वर्ग बोल सकते हैं ठीक है तो दोनों ही तरफ से ये बिल्कुल सही है ठीक है क्लियर हो गई बात तो ये हो गए बच्चों तुम्हारे चतुर्भुज के प्रकार अब इस पर बेस्ड बेसिक बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से जो आते हैं तुम्हारे जैसे कि ये ट्रू फॉल्स है क्या आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है ये अभी हम सिद्ध करेंगे लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि यह चीज बिल्कुल ट्रू है तो ये हो गया सत्य ठीक है आयत की सम्मुख सम्मुखाओ की लंबाई बराबर होती है यह भी अभी हम आगे देखेंगे ठीक है क्योंकि आयत क्या है एक समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे सीखेंगे बट ये चीज भी हम ऑलरेडी जानते हैं तो इसे भी हम सत्य माफ कर देंगे ठीक है सम चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है ये भी बिल्कुल सही है तो ये भी हमारा क्या होगा सत्य होगा सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है बिल्कुल सत्य है सामांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो गई तो वो सम चतुर्भुज बन जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सामांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर लंबाई की हो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ठीक है समलंब की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है ये भी गलत है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म जो है वो समांतर होता है ठीक है प्रत्येक युग्म समांतर नहीं होता आपका अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो जाएगा तो वो तो तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ना तो ये हो गए बच्चों तुम्हारे क्या चतुर्भुज के प्रकार पर आधारित ट्रू एंड फॉल्स सत्य न सत्य क्लियर हो गई बात आ गया सबको समझ में किसी को कोई दिक्कत यहां पर चलो तो अब देखो क्वेश्चन का आंसर इजी क्वेश्चन है बड़े आराम से लगा सकते हैं इसमें कोई देर भी नहीं लगनी चाहिए आयत का प्रत्येक कोण होता है हटाओ 90 डिग्री खत्म क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट इसमें वो देर भी नहीं लगनी चाहिए ठीक है आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का खत्म हो गई बात अब देखो बच्चों यहां से अब हमारे पास शुरू होंगे चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के गुण ठीक है यहां से हमारे पास शुरू होंगे समांतर चतुर्भुज के गुण ठीक है कि समांतर चतुर्भुज में अलग अलग तरीके के गुण है जैसे कि मैं तुम्हें अभी सारे गिना देता हूं ठीक है मैं सारे के सारे गिना देता हूं इन्हें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें सिद्ध करेंगे और उन पर क्या करेंगे उन पर आधारित क्वेश्चंस को भी करेंगे ठीक है अगली क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय भी करनी है हमें तो वहां पर भी ये सिद्ध करने में बड़ा काम आएगा ठीक है तो देखो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या बोलते हैं सबसे पहला गुण कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होता है अगर तुम समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मिलाओगे ठीक है तो वो विकर्ण उसे किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मिलाने पर वो उसे दो त्रिभुजों में बांटेगा किसी भी चतुर्भुज तो त्रिभुज तो तो पढ़ चुके हैं तो किसी भी चतुर्भुज का अगर तुम विकर्ण मिलाते हो किसी भी समांतर चतुर्भुज का अगर तुम विकर्ण मिलाते हो तो वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है ठीक है सिद्ध करना अगली क्लास में होगा टेंशन वाली बात नहीं है इसके अलावा समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी ठीक है इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं ये कोण इसके बराबर होगा आमने सामने वाले कोण और ये वाला कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा दूसरा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम्धिभाजित करते हैं ठीक है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करते हैं कि भैया अगर किसी चतुर्भुज में आपका सम्मुख बुझाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख बुझाओ का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख बुझाओ का प्रत्येक कोण जो है वो बराबर है मतलब सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म जो है वो बराबर है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा इसके अलावा अगर किसी चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा इसके अलावा एक और विशेष गुण आएगा जो कि बोलेगा कि अगर आप किसी चतुर्भुज में सिद्ध कर देते हो कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है ठीक है बराबर भी है और समांतर भी है तो वो चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ठीक है तो चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए भी हम कुछ कुछ गुण देखेंगे कुछ देखेंगे चीजें चीजें जो जो कि हमें सॉल्व करनी है 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 ठीक बट ये सारी जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगी क्योंकि ऑलरेडी क्लास हो चुकी है आपकी ऑलमोस्ट एक घंटे की ठीक है तो हमारे पास अगली क्लास के लिए पहले से ही बहुत सारा काम है ठीक है अगली क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय भी देखी जाएगी ठीक है और इस पर आधारित क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे ठीक है चलो अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा चीजें सारी अच्छे समझ में आई होंगी मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारी सीधा नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखो टेक केयर टाटा और बाय बाय